friends, today is our ES class and today we will read our half of the 9th chapter which was remaining. In this chapter we have already discussed about different types of transport, about land transport, air transport and water transport, and we have already discussed that how people travel long ago, what time pehle log kaise travel karte the, ye sab humne discuss kar liya tha. And our today topic is land transport. In a land transport we can see notes of example. So we will read about this on page number 53. Everybody open page number 53. Land transport. Land transport includes vehicles that move on land like car, bus, truck, train, auto rickshaw, van, bicycle, motorcycle, tonga and wheeler car. You can see lots of example in land transport. बहुत सारे example है land transport के. सबसे ज्यादा example land transport के है 3 means of transport में से. जैसे कि कार, बाइसाइकिल, बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, ये सब कहाँ चलते हैं? लैंड पे चलते हैं. तो ये सारे किसके एग्जांपल है? लैंड ट्रांसपोर्ट के. सम ऑफ दिस व्हीकल लाइक कार, ऑटो रिक्शा एंड मोटरसाइकिल आर यूज्ड टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस. अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना होता है तो हम किसमें जा सकते हैं? ऑटो रिक्शा में, हम अपने बाइक से जा सकते हैं या कार से जा सकते हैं. तो ये मोस्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस तक जाने के लिए यूज होते हैं. एंड इफ यू वांट टू गो फार ऑफ प्लेसेस देन वी कैन यूज लाइक ट्रेन एंड बस. बस इज द पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? बस. क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम ज्यादातर बस का यूज करते हैं. जब हमें बहुत ज्यादा दूर जाना होता है तो हम ट्रेन में भी जा सकते हैं. बसेस आर अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. दे ऑफर एन इजी एंड चीप वे टू ट्रेवल टू स्कूल, ऑफिस, मार्केट एंड अनदर सिटी. हमें फार ऑफ प्लेस, हमें बहुत दूर जाना होता है तो हम ट्रेन या बस का यूज कर सकते हैं. और ये जो जितने भी लैंड ट्रांसपोर्ट है वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बनाते हैं. इसमें हमारा टाइम कम लगता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में, और ये सस्ते भी होते हैं, इतने ज्यादा महंगे नहीं होते. यू कैन सी 3 एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ऑन पेज नंबर 53. और ट्रेन, बस एंड ऑटो रिक्शा. नाउ यू हैव टू टर्न योर पेज 53 टू 54. Trains carry people and goods to different places. They run on railway track. Train can carry both people and the goods. Trains जो होती है वो एक place से दूसरे place पे passenger को पहुंचा सकती है और जो सामान है उसको भी पहुंचाती है. बहुत सारे मालगाड़ियां जो होती है, जो ट्रेन होती है वो उसको सामान को एक place से दूसरे place पे पहुंचा सकती है. ट्रेन्स जो होती है वो रेलवे ट्रैक पे चलती है. द इंजन पुल और रो ऑफ कोचेस ऑफ द ट्रेन. जो इंजन होता है वो पूरे पुल खींचता है, सब जो जितने भी कोचेस होते हैं, जितने भी डिब्बे होते हैं उन्हें खींचता है, और इस तरह से ट्रेन मूव करती है रेलवे ट्रैक पे. अर्लियर ट्रेन इंजन वर रन ऑन स्टीम बट नाउ मोस्ट ऑफ देम रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. बहुत टाइम पहले की जो ट्रेनें चलती थी वो स्टीम भाप पे चलती थी. उसमें कोयलों वगैरह को यूज, कोयलों का यूज करके ट्रेन को चलाया जाता था. बट नाउ डेज हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो ट्रेनें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. सम सिटीज हैव ट्राम्स एंड मेट्रो ट्रेन, दे आर सिमिलर टू ट्रेन्स. कुछ सिटीज में हमको ट्राम और मेट्रो ट्रेन भी देखने को मिलते हैं, वो ट्रेन के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, वो ट्रेन जैसे होते हैं. जैसे कि जो डेवलप कंट्री है ना, अमेरिका, यूएसए, वहां पे हम सब ट्राम्स देख सकते हैं. ट्राम्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू बस. ट्राम्स जो होता है वो सिमिलर होता है बस के, बट वो एज कम्पेयर टू बस थोड़ा लंबा होता है तो उसको ट्राम्स बोलते हैं. और मेट्रो ट्रेन तो चलती है, जैसे कि दिल्ली में, जयपुर में भी अभी चलती है, तो ये भी ट्रेन ही होती है. नाउ वी विल रीड अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड व्हीकल दैट मूव ऑन वाटर. वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर हम उन व्हीकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो व्हीकल वाटर पे चलते हैं, लाइक बोट, शिप एंड लेचर एंड राफ्ट ऑल्सो. मिनिमम एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल लैंड ट्रांसपोर्ट के, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के इतने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है. और वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल में यू शुड लर्न अबाउट बोट, शिप एंड लेचर. सम बोट्स मूव विद द हेल्प ऑफ ओर्स, सम मूव विद द विंड एंड सम हैव इंजन. कुछ जो बोट होते हैं वो किससे चलते हैं? द हेल्प ऑफ ओर्स. ओर्स क्या होता है? नाव चलाने वाली लकड़ी. ओर्स मीन्स पैडल्स. जो बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं आपने मूवी में या टीवी में देखा होगा, आप कभी घूमने गए हो तो वहां भी देखा होगा, जो आदमी होता है वो पैडल्स ओर्स का यूज करके एक लंबी लंबी दो लकड़ियां होती है उसके पास, उससे वो बोट को मूव कराता है वाटर के अंदर. एंड सम मूविंग विंड. कुछ बोट जो होते हैं वो हवा से भी चलते हैं, हवा की हेल्प से चलते हैं.
एयर ट्रांसपोर्ट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।